वेलकम टू सीटी मीडियम कैसे हो भाई आप सभी सीटी मीडियम सॉरी मेरे को आदत हो गई सीटी इन मीडियम की वेलकम टू सीटी 247 तो भाई कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे बहुत मस्त होंगे तो पहला पता ही आपको भी केमिस्ट्री का सेशन आपका चल रहा अभी 5 बजे अभी आपका जो टाइम चेंज हो गया है क्योंकि कुछ चल जाता है कई बार हो जाता है कि भैया ठीक है आयुषी मैम बहुत दूर से आते हैं बहुत दूर से आते हैं बहुत दूर उनका घर है तो उनको दिक्कत हो जाती है छः के बाद अगर वो जाएंगे तो लेट हो तो जाते हैं समझते हो इतना तो आप सभी तो टाइम हमने स्वॉप कर लिया है क्योंकि मेरा घर पास में है तो मतलब लाइक मैं तो आराम से भी जा सकती हूँ तो मेरा टाइम अभी छः से सात रहेगा हमारी रेगुलर क्लासेस पे और मैम का आयुषी मैम का टाइम जो है पाँच से छः रहेगा

अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है नहीं कर रही? हाँ। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा करके ना इसको दिखा देती हूं। अगर ये हो जाए तो महाशय ये होना चाह नहीं रहे हैं पर हम इसको करके मानेंगे है ना देखो चलो जी देखो यहाँ पे ना आपको पूरा टाइम टेबल गिवन है हालांकि देखो ऐसे तो आर्ट्स कॉमर्स वालों का भी है खैर हमारे सेशन में वो आएंगे तो उनका कोई मैटर नहीं है बट कोई आए तो गलती से देख लेना भाई यहाँ पे आपका साइंस का देखो सुबह नौ बजे नौ से साढ़े इंग्लिश का रहेगा और साढ़े दस से बारह फिजिक्स का रहेगा बारह से डेढ़ आपका केमिस्ट्री डेढ़ मतलब वन थर्टी और वन थर्टी टू थ्री ये आपका बायोलॉजी का रहेगा देन थ्री टू फोर फोर फो थर्टी मैथमेटिक्स का देन लास्ट में फोर थर्टी टू सिक्स आपका जनरल टेस्ट का रहेगा और ये ऑल इंडिया रैंक रहेगा तो यहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है आपके यहाँ पे मिल जाते हैं आपको पता चल जाता है एक्चुअल आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एंड यू आर हैविंग स्टिल अ वीक तो आपका ये भी काफी है और जहाँ तक मुझे पता है बायो वाले बच्चे बड़े कंफर्ट में है रीजन भी कि बायो वालों को किसी का डोमीन का आया ही नहीं अभी राइट right. डोमेन का बायो का अभी तक 24 से पहले किसी का है ही नहीं अगर कोई कोई एक सिंगल बच्चा भी मुझे अभी तक नहीं मिला है अगर कोई हो तो मुझे बता देना भैया तो चलो ठीक है अपना सेशन शुरू कर लेते हैं विदाउट गेटिंग एनी लेट आपका बायोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर वन है और डेली आपके मॉक टेस्ट होंगे छह बजे का हमारा टाइम है तो इसको आप सेट कर लीजिएगा अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भैया एनर्जी फ्लो इन इन इको एनर्जी फ्लो करती है इको में कैसे यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल और आपका स्टेबल कैसे जाती है बताओ जल्दी से यस yes. बताओ बताओ जल्दी से तो हमको पता है एनर्जी जो है टेन परसेंट एनर्जी जाती है टेन परसेंट लो हम पढ़ते हैं एनर्जी के लिए कि टेन परसेंट ही वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल हमारी जाएगी और लिंडवन ने ये लो दिया था हमारा और हमेशा याद रखना है एनर्जी का जो हमेशा बनता है ये ऑलवेज ऑलवेज अपराइट इसका पिरामिड बनता है हमेशा क्या बनता है इसका हमेशा ही अपराइट पिरामिडिस का बनता है और हमेशा ही अपराइट बनने का कारण है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसका रहता है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रह जाएगा जी यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा ट्राई करो क्वेश्चंस को फास्ट फास्ट करने की बिल्कुल फास्ट फास्ट करने की कोशिश करो आप सभी कर right? आगे है नॉन एल्ब्यूमिनस इज प्रोड्यूस्ड इन नॉन एल्ब्यूमिनस शीट्स कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं मेज कैस्टर वीट एंड पी मेज कैस्टर वीट एंड पी नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं जहां पर आप बात करते हो कि आपका कोई भी किसी भी तरीके से एंडोस्पर्म नहीं है एंडोस्पर्म नहीं है नॉन मतलब नहीं एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म के लिए बोला गया है यहां पे कि एंडोस्पर्म है ही नहीं वहां पे वो आपके एम्ब्रियो ने यूज कर लिया है और आंसर क्या हो जाएगा इसका पी हमेशा याद रखना जितने भी डाइकोट होते हैं जितने भी क्या होते हैं डाइकोट होते हैं वो कॉर्टिलेडोन में कहां पे के अंदर फूड को स्टोर करते हैं ये चीज आप सभी क्या करेंगे जी याद रखेंगे और कभी भी डाइकोट के अंदर एंडोस्पम नहीं होता है ऑलवेज आपका क्या रखेगा मोनोकोट रहेगा ये चीज आपको याद रखनी है आगे देखो आगे कह रहे कि फ्रीक्वेंसी जो है रिकॉम्बिनेंट बिटवीन जीन प्रेजेंट एट द सेम क्रोमोजोम कह रहे हैं कि एक क्रोमोजोम के ऊपर एक क्रोमोजोम के ऊपर आपके रिकॉम्बिनेंट होने की फ्रीक्वेंसी जो आपकी जो मापी गई थी वो किस साइंटिस्ट ने मापी थी वो किसने बताया था इस सबके बारे में ठीक है तो आपका पहला है बावरी मॉर्गन ग्रेगर जे और जो भी आपको बोलना है स्ट्रूवेंट अब देखो यहाँ पे बहुत ईजी सा है कोई चक्कर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपके सभी के नाम पूछे जाते हैं पहली बात क्यों ग्रेगर जे मैंडल आपके फादर ऑफ फादर ऑफ

के बारे में यही बताते हैं हालांकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन करते हैं किसकी वेरिफिकेशन सर्टन बावरी की क्रोमोसोमल थ्योरी की जो कि 9331 से डेविएट करती है राइट right? आगे देखो बेटा आगे है कि टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड डैश इन द होस्ट सेल कह रहा है कि भैया टोबैको प्लांट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किसके लिए रेजिस्टेंस होता है आपके निमटोड के लिए कौन सा निमेटोड इनकोग्निटा उसके लिए अब वहां पे हमने डीएनए डाला वो डीएनए क्या बनाता है कैसे एक स्ट्रैंड बनाता है आपके होस्ट सेल में जाके आपका बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आर एन ए पर्टिकुलर हॉर्मोन एंड एंटीसेंस एंड अ टॉक्सिक प्रोटीन अब ये आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बहुत इजी है बहुत इजी है कुछ भी ऐसा नहीं है राइट बताओ भी जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लांट रेजिस्टेंट टू हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस डैश इन द होस्ट सेल यस बताओ भी जल्दी से दोनों बनाएगा अच्छा डी ए अच्छा ठीक है गुड 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 दोनों बनाएगा भैया सेंस वाला भी और एंटी सेंस आर एन दोनों बनेंगे वहां पे और आपके आपस में जब दोनों बनेंगे जब सेंस और एंटी सेंस आर एन ए जब दोनों बनेंगे आपस में चिपक जाएंगे आपस में चिपक जाएंगे आर एन ए काम नहीं करेगा इसी को हम कह देते हैं इंटरफेरेंस और यहाँ पे आपका यूज किया जाता है एक वैक्टर जिसका नाम पूछा जाता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफैसन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफैसन प्लांट के लिए नेचुरल वैक्टर है ऐसे ही एनिमल्स की नेचुरल वैक्टर रेट्रोवायरस है ये आप याद रखोगे आगे देखो

भैया। yes. बताओ। yes. Bacterial blight से से। से बेटा नहीं नहीं बैक्टीरियल ब्लाइट से. Bacterial blight से आपका ये था, ये रेजिस्टेंट था। चीज आपको याद रखना है। आगे देखो। बटरफ्लाई कैटरपिलर इज सेक्रोमाइसिस बैसिलसुरस ट्रैप्टोकोकस जो भी है ट्राइकोडर्मा जो भी है राइट right? <coughs> अब <coughs> हाँ देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो बायो कंट्रोल क्या होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म हो कि दूसरे को कंट्रोल कर ले ऐसे वाला चीज होता है बायो कंट्रोल और बायो कंट्रोल में एक आपका पूछा जाता है ड्रैगन फ्लाई और पूछा जाता है दूसरा आपका लेडी बिटल अब ये दोनों क्या करते हैं मच्छरों को रेफिड्स को खा जाते हैं ऐसे ही हमारी फंजाई होती है जैसे फंजाई है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा भी अपने आप में ही एक बायो कंट्रोल एजेंट है क्योंकि एक फंजाई है तो ये आपका रूट बॉन्ड डिजीज होने से बचाएगी सैलिनिटी ड्रॉटनेस इस सबसे हमारे पौधे को बचाएगी तो ओवरऑल प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाती है और फॉस्पोरस करके देती है वो अलग से ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस किसी तरीके का नहीं है साइक्रोमाइसी भी किसी भी तरीके से हमारी कोई बायो कंट्रोल एजेंट में नहीं आती है तो आंसर हमारा आता है बैसिलस थ्रेजिनस बैसिलस थेजिनस आपके इस चीज के लिए तो है ही कैटरपिलर के लिए आप यहाँ पे बोरर के लिए भी पढ़ते हो इसको साथ ही साथ आप इसको कॉटन के लिए भी पढ़ते हो

है ना तो इसके बार आपकी ऐसा तो है नहीं पुराना क्वेश्चन उठा के दे देगा नया क्वेश्चन बना के देगा इसको पूछे जाने के बहुत सारे चांस है, याद रखना राइट इंसेक्ट और विंड वाटर करंट ओनली विंड एंड वाटर इंसेक्ट एंड वाटर बताओ भी जल्दी से यहाँ पे यहां बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस yes.

ठीक है आपका एक डिवीजन जब करेगी सेकंड मियोटिक डिवीजन करेगी तो वहां पे आपके पास कितने कितनी चीजें बनेंगी चार हैप्लोइड्स परमिटेड वन हैप्लोइड्स परमिटेड टू हैप्लोइड्स परमिटेड टू हैप्लोइड्स परमिटेड यस बताओ भी जल्दी से यहाँ पे यस स्लो है मैम स्लो है निक त्रिपाठी बेटा स्लो नहीं है इसको एक बार मेरी लेक्चर खत्म हो जाए ना उसको 1.5 करके देखना ऐसे रेज सुनाई देगी आपको ठीक है चलो

डिसकॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन बताओ भाई अच्छा हाँ हमारे पास जो डी एन ए होता है या फिर आप बोलो जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक मटीरियल के आइडियल फीचर्स पूछे जाते हैं सबसे पहले तो आपका आइडियल फीचर जो है जो डी एन ए के अंदर या आर एन ए के अंदर उसके जेनेटिक मटीय बोलते हैं ना डी एन ए आएन ए यही तो जेनेटिक मटीरियल है धीरे धीरे म्यूटेट भी करे स्लोली स्लोली टाइम के साथ इवोल्व करे म्यूटेशन लेके आनी चाहिए उनको मैंडल के फैक्टर के जैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर ले है ना स्टेबिलिटी हो केमिकल वाइज और स्ट्रक्चरली भी आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए ये चीज़ें आपके फीचर्स में आती हैं

जेनेटिक वेरिएशन आप बोल लो इवोल्यूशन आप बोलो आप बट आपका ये आएगा यही इवोल्यूशन के अंदर आप इसको कंसीडर करते हो राइट right? चलो

ग्रेसी लेरिया एंड जालेडियम करके एक आपका शीविड़ है जहां से हम निकालते हैं अगार 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 से बनाते हैं अगैर जल अगार, अगार को पानी में डाल के मिक्स कर देंगे अगारोस जल और अगारोस जल को हम कहा यूज करते हैं वी ओल नो पीसीआर इलेक्ट्रोफोरसिस जल इलेक्ट्रोफोरसिस एंड साइब्रिड हाइब्रिड 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 प्रोडक्शन तो हमको पता है जल इलेक्ट्रोफोरोसिस में यूज करते हैं और हमको ये भी पता है आपका क्या आता है साइज जो छोटा टुकड़ा होगा वो बहुत दूर चला जाएगा और जो आपका भारी टुकड़ा होगा पास में रह जाएगा सेकेंड चार्ज याद रखना पहले नंबर पे आपको चार्ज देना अगर कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कि जल इलेक्ट्रोफोरोसिस किस बेसिस पे काम करता है

द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन produced by recombinant DNA technology is insulin, टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन थायरोक्सिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर ये एवरीवन बताओ जल्दी से चलो मैम बच्चों के नेम शॉर्ट आउट करो पता है मैं आपको 50 क्वेश्चन कैसे कराऊंगी? ठीक है मीनाक्षी बहुत बढ़िया यस ठीक है चलो ठीक है जिसका एक काम करते रहो मैम आई थिंक यू आर मिसिंग योर ओल्ड प्रोफेशन

येस yes, आगे चलो आगे देखो क्या है स्टिकी एंड जो आपके बनाए जाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे डीएनए के पे ठीक है वो आपका कब बनाए जाते हैं जब आपकी ट्रीटमेंट कराई जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ तो आपके कौन से एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले जो कि स्टिकी एंड देते हैं पहला डी एन ए लाइगेज एंडो न्यूक्लियस एक्सो न्यूक्लियस एंड डीएनए एन आई थिंक ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से भी करा रखा है ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है कि एक्जो न्यूक्लियस हमेशा ब्लंट एंड बनाते हैं ऑलवेज ब्लंट एंड जस्ट मेक योर सेल्फ क्लियर इन दिस कि आपका जो एक्जो न्यूक्लेज है ऑलवेज ही क्या करता है आपका ब्लंट एंड बनाता है और जब भी पॉलिमराइज की बात आ जाती है तो यहाँ पे सिंथेसिस की बात आ जाती है क्या सिंथेसाइज करना है डीएनए सिंथेसाइज करना अगर यहाँ पे आरएनए एन होता तो हम आरएनए सिंथेसाइज कर देते सिंपल एज दैट अगर लाइगेस की बात करें तो ये ज्वाइन करने का ग्लू के जैसे काम करता है इट वर्क एज ग्लू और हमारा आंसर यहाँ जैसे काम करता है रिमेंबर वैक्टर को और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोनों को ही हम किससे करते हैं सेम एंजाइम से कट करते हैं ताकि सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड बने और इजिली वो चिपक जाए राइट जिसने आपका बी ऑप्शन किया है गिव यूर्स ऑफ प्लस फाइव एंड बाकी सब माइनस वन इफ नॉट अटेम्प्टेड जीरो राइट right. आगे चलो विच टाइप ऑफ दिस विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें से कौन सा एक टूल नहीं है डीएनए टेक्नोलॉजी का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर पॉलिमरेज एंजाइम एंड इंट्रोन एंड इंट्रोन यस एवरीवन ये सारी बहुत बढ़िया तनिशा मुस्कान मीनाक्षी सोम्या सी गई मैं चाहती हूं कि मैं आप सबके नाम भी लू और मैं चाहती हूँ मैं बहुत तेज भी करा दूं पर बात पता है क्या हो अगर मैं आप सबके नाम ले लग जाऊंगी तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगी टाइम कम रह जाएगा स्पीड मैं इसलिए कम रख रह रही हूँ क्योंकि हर बच्चे को मेरी ट्वेल्स की स्पीड समझ नहीं आएगी है ना फिर कुछ बच्चे चाहते हैं जो फास्ट चाहते हैं फास्ट फास्ट कराऊँ और आपको ये भी सोचना चाहिए कि समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ है ना फास्ट फास्ट का मतलब नहीं होता है तो आपको हर किसी को देख के करना होता है हर कोई एक जैसा नहीं होता ना हर किसी को फास्ट नहीं चाहिए होता है कुछ फ्लो के लिए बोलते हैं कुछ फास्ट के लिए बोलते हैं तो मतलब मैंने एक बीच का पेस मेंटेन कर रखा है तो आई होप हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोले नॉट ए टूल तो इंट्रोन इज नॉट अ टूल इंट्रोज इंट्रोन इज नॉट अ टूल ये आपका आर में पाया जाता है और डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है एच एन आर एन ए में इंट्रोन मिलेगा एम आर आन ए में जब स्प्लाइस होकर जाएगा तो इंट्रोन हटाया जाता है वहाँ पे ऐसे इन आर एन ए से रिमेंबर चलो ओके जी अनु सिंह चलो बहुत बढ़िया अनु आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली पिरालीड ये बताओ कि इसमें से जनरली आपका कौन सा इन्वर्टेड रहता है इन्वर्टेड कौन सा रहता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी या फिर आपका पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट इन अ फॉरेस्ट यस एवरीवन बताओ जल्दी से तो हम मैंने आपको एक चीज बता रखी है अगर आपको बोला जाए इन्वर्टेड में तो इन्वर्टेड दो ही केस में मिलता है या तो आप कोई कोई सिचुएशन गिवन हो जो आपकी ट्री वाली ट्री इको सिस्टम का मतलब क्या है एक ट्री है इस ट्री के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे ट्री इको हो या तो आपके पास क्या हो एक सिंगल ट्री एक सिंगल का ट्री इको की बात की जाए या फिर आपके एक्वेटिक बायोमास की बात की जाए तभी आपका इन्वर्टेड होता है और किसी केस में नहीं है आपका हमेशा ही एनर्जी का तो सीधा ही रहता है अपराइट ही रहता है बायोमास का धरती के ऊपर अपराइट रहता है

कसकटा 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 बता देती कस्कता, कस्कता को हिंदी में कहते हैं अमरबेल आप सबने पेड़ों के ऊपर देखोगा पीली पीली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपका गिरा रहता है फैला रहता है पीला पीला सा पाइप है ना और उसी को हम बोलते हैं क्या कसकटा तो कसकटा इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट क्रीडेशन ब्रूड पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट तो पहली बात तो ये पैरासिटिज्म गिव यू प्लस एन माइनस इंट्रैक्शन एक को फायदा एक को नुकसान होता है एक्टो जो शरीर के अंदर हो जैसे लीवर फ्लू हो गया प्लाजमोडियम हो गया एक्टो जैसे कसखटा हो गया लीक, लीच हो गई राइट ऐसे ब्रूड जो अपने अंडे को ले करने के लिए इनक्यूबेट करने के लिए दूसरे को उसमें छोड़ देते हैं जैसे बर्ड कुकू यू कैन से राइट और ये हमारा कसकटा है तो इट इज अ टाइप ऑफ एंडो पैरासिटिज्म इट इज अ टाइप ऑफ एंडो पैरासिटिज्म नॉट टाइप ऑफ रिडेशन और एक्टो और ब्रूड राइट right? याद रखो इस चीज को आप सभी ने सॉरी 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 एक्टो एक्टो कह रही एंडो, एंडो लिख दिया मैंने यहाँ पे एक्टो लिखना था आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी एक्टो पैरासिटिज्म एक्टो पैरासिटिज्म यस आगे देखो द आइसोटोप यूज्ड बाय मैसलन एंड स्टेला इन देर एक्सपेरिमेंट वो आइसोटोप कौन सा यूज किया था यहाँ पे मैसलन और स्टेला ने आपको बताना है जीरो ये क्या लिख दिया ऑक्सीजन 18 सॉरी इट्स ऑक्सीजन 18 एंड कार्बन 14 हाइड्रोजन 3 एंड नाइट्रोजन 15 सो so, पहले ने तो इसको दोबारा से ढूंढने वाले थे, इन्होंने से कि, देखो जी बात ऐसी ग्रफिथ महाराज हो गए पागल डीएनए होता है आपका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं होता क्योंकि ग्रीफित प्रोटीन के लिए बोल रहा था देन हमारे पास आते हैं नेक्स्ट महाशय आते हैं जिनका नाम है हर्षे एंड चेज हर्षे एंड चेज इज वन जिन्होंने कहा ही जेनेटिक मटेरियल है इन जेनेटिक मटेरियल सेमी कंजर्वेटिव होता है रेप्लिकेट करता है आपका नई डॉटर कॉपी बनती है तो उसमें 50% होता है पुराने वाले का दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेशन और उसको प्रूव किया था मैसलन एंड स्टेला ने उसने यूज किया था नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 करके राइट उसने दो आइसोटोप यूज किए थे नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन

पॉलीमार्फियो न्यूक्लियर न्यूट्रोफाइल मोनोसाइट एच के सेल एन के सेल या फिर इंटरफेरोन वॉट इज साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन बैरियर साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है किसी वायरस ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया है अब जिस सेल्स को वो सबसे पहले इन्फेक्ट करता है दैट सेल विल रिलीज सम केमिकल दैट विल रिलीज सम प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वायरल इंफेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड इंटर फेरोन दैट इज कोल्ड वॉट बेटा इंटर फेरोन राइट तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इंटर फेरोन नेक्स्ट देखो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन वाटर हाइसेंट टेक प्लेस बाय हाउ डज इट प्रोपिगेट वाटर हाइसेंट इकॉर्निया टैर ऑफ बंगाल राइजोम बल्बिल लीफ बर्ड एंड ऑफसेट तो आपको ध्यान होगा राइजोम राइजोम ग्रास में होता है सॉरी 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 रनर रनर आपका ग्रास में होता है ऐसे में एक वर्ड आता है रनर जिसको बोला जाता है ऑफसेट को बोला जाता है जिससे आपका आपका क्या हो जाता है वाटर हाईसेंथ भैया प्रोपिगेट करता है रिमेंबर रखना इस चीज को और आपके पास ना ये जो वाटर हाईसेंथ है प्लस आपके पास लेंटाना है इसको क्वेश्चन को याद रखना साथ में आप लोगों के पास क्या है साथ में आप लोगों के पास एक और स्पीशीज आती है जिसका नाम मुझे अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है वाइसो वाइसो कई बार नाम आता है इन तीनों का एक साथ इन तीनों का नाम आता है एक साथ क्योंकि एलियन स्पीशीज है क्या है यह आपकी एलियन स्पीशीज और वॉटर हाइसें हम इकोर्निया के नाम से भी जानते हैं ये आपको याद रखना है इसको हम इकोर्निया के नाम से भी जानते हैं याद रखना और ये भी आपको याद रखना है जिससे प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है।, है ना तो आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एचसीजी एंड प्रोलैक्टिन अच्छा हाँ किसी ने है कि ऐसा क्या होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो पहले भी बनते होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो आपके पहले भी बनते होते हैं बट ऐसा क्या होता है जो

राइट चलो फास्ट 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 एवरीवन बहुत शाबाश अच्छे कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो येस yes, जब भी हम बात करते हैं टॉक्सिकट अच्छा टॉक्सिकैट हमारी बॉडी में क्यों स्टमुलेट होते हैं टॉक्सीकेंट हमारी बॉडी में इसीलिए स्टिमुलेट कर जो जाते हैं हैंट इस, हो जाते हैं क्योंकि ना तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं ना ही हम उसको सुसु से पॉटिक से कैसे भी एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते हैं ना हम एक्सक्रीट भी नहीं कर पा रहे हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे तो हमारी बॉडी में जमा हुए जा रहे हैं तो आंसर इज यहाँ पे बायो मैग्नाफिकेशन बेटा आंसर इज बायो मैग्फिकेशन राइट आंसर आगे करें आगे देखो अमंग द आर एन ए पॉलीमरे के अंदर द आरएनए पॉलीमरेज 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या ट्रांसक्राइब करता है अच्छा हाँ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके जैसे प्रोकैरियोट है प्रोकैरियोट के अंदर खाली आरएनए पॉलीमरेज होगा वही एमटीआर सब कुछ बना देगा कोई चक्कर ही नहीं है बट अगर यूकैरियोट की बात में करोगे तो यूकैरियोट्स हमेशा अलग आरएनए अलग एंजाइम से बनाते हैं जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 है आरएनए पॉलीमरेज 1 ही ये कुछ और बनाएगा जैसे आरआरएनए है ये आरएनए पॉलीमरेज 1 से बनेगा टीआरएनए है ये 2 से बनेगा ऐसे ही हमारा एचएनआरएनए है एचएन एचएन हेट्रो

स yes, आपने गलत आंसर किया था ऐसे ही म्यूजिक वर्ल्ड आपने भी गलत आंसर कर दिया निधि तुमने भी गलत कर दिया बेटा ध्यान दो थोड़ा सा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो यस yes, थोड़ा सा ध्यान दो हल्का सा वैसे तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हो नो no डाउट आगे देखो द जीन क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी कंट्रोल वॉट कंट्रोल वॉट कॉटन बोल वोमन बॉर्डर एंड बर्ड बर्ड वोम एंड बटरफ्लाई यस बताओ भाई जल्दी से यहाँ पे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस yes, बहुत बढ़िया जेपी शर्मा केशारी निधि वासु अनन्या अन्न, वैभव सोना यस बहुत बढ़िया मुस्कान मुस्कान पास हुआ यू आर डूइंग टू गुड वे टू यस ऋषभ बहुत बढ़िया गिव योर सेल्फ प्लस फाइव गिव योर सेल्फ प्लस फाइव एंड यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा कॉटन बोलवोम कॉटन बोलवोम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कॉटन बोलवोम एंड ओल्सो गिव मी अ पिंक हार्ट बट यू नो ना पिंक हार्ट से पहले आपको सेशन लाइक करना पड़ता है जिसने सेशन लाइक नहीं करा है, पहले तो एक बार सेशन को लाइक कर दो कंजूसो हालांकि देखो मैंने आते भी नहीं बोला मैं बीच में कभी कभी बोलती हूँ तो इतनी इज्जत मेरी रख लिया करो सेशन लाइक कर दिया करो ठीक है yes, यस आगे चलो आगे क्या कह कि ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एक्ट आपका जो ओव्यूल है वो आपका फ्यूज रहता है फ्यूनिकल के साथ कहां पे कौन से हिस्से में हीलियम माइक्रोपालस एंड चालजल तो हम सबको पता है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ 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 <laughs> यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका जो ओव्यूल का बॉडी है वो कहां पे फ्यूज करता है अच्छा हाँ बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एक दिन मैंने आपको बताया फ्यूनिकल को ही हम प्लेसेंटा बोलते हैं है ना आपका प्लांट का प्लेसेंटा कौन सा होता है फ्यूनिकल को बोलते तो एक मेरे को ज्ञानी महाराज कमेंट बॉक्स में, में आके कहता है कि को बिल्कुल वर्ष पढ़ाती है मैडम और uh, क्या करती है इसको यही नहीं पता फ्यूनिकल और प्लेसेंटा अलग अलग है बेटा प्लेसेंटा को ही फ्यूनिकल बोलते हैं बहुत सारी बुक में स्टोक लाइक स्ट्रक्चर स्टोक लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टोक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल या फिर प्लेसेंटा दैट इज ओल्सो कोल्ड फ्यूनिकल इस तरीके के वर्ड

घर घर वाले जो चर चरवा है जिससे हम दूध बूध निकाल लेते हैं ऐसे वाले जो ऐसे वाले जैसे गाय भैंस हो गए इनके अंदर जो गोबर बनता है प्रेजेंट मतलब तो है कि मतलब जो आपके सोल्ट को लव करते हैं यू बैक्टीरिया थर्मो थर्मो एसिडोफिलस बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अच्छा हाँ आपको पता है ना आपके पास बैक्टीरिया दो होते हैं एक आपके पास होते हैं यू बैक्टीरिया एक आपके पास आरके आरके इस वन जो बहुत हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी हाई सेलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं जो आपके प्रिमेटिव पुराने वाले रहे हैं हिंदी में उसको बोलते हैं आद, प्राचीन पुरातत्व है ना ऐसे ऐसे ही आपके पास यू यू का मतलब न्यू यू मतलब न्यू नए वाले जो आए हैं टाइम के साथ अकॉर्डिंगली इवोल्व होके आए हैं तो यहाँ पे आपके पास मिथेनोजेंस दैट इज अ टाइप ऑफ आर के बैक्टीरिया रिमेंबर दैट इज अ टाइप ऑफ

चीज बढ़ती है एरिया के साथ-साथ एक टाइम पे वो न्यूट्रल हो जाती है और आपका एक पैराबोला रेक्टेंगुलर पैराबोला बना लेती है वोन हमबोल्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है डी विल बी द आंसर क्या चल रहा है चैट में कुछ नहीं चल रहा तुम बस अपने आंसर पे ध्यान दो वैभव देयर इज नो सेकंड यू आर हैविंग जो आप दूसरों के ऊपर ध्यान दो राइट right? आगे चलो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ एन ऑपेर आपके पास सभी ऑपेरॉन के पार्ट हैं सिर्फ एक को छोड़ के सिर्फ एक को छोड़ के कौन सा कौन सा ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन इनहेंसर एंड प्रोमोटर ओके तो आपको मैंने एक चीज हमेशा बताती हुई कि रेगुलेटरी जीन को ना तो यू आर गोइंग टू टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट बॉक्स अभी नहीं जब आपका सेशन खत्म हो जाए तब आपको मुझे बताना है वट इज रेगुलेटरी जीन कौन सा विच इज रेगुलेटरी जीन एंड वट इज इंड्यूसर मॉलिक्यूल ये दोनों आपको बताने हैं एंड वट रेगुलेटरी जीन डू

राइट right? को काम करने नहीं देता है इंड्यूसर मॉलिक्यूल आता है लैक्टोज आता है और रिप्रेसर को अपने ऊपर चिपका लेता है और लैक ओपरोन चालू हो जाता है राइट right? और आपकी ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाता है यहाँ पे तो आंसर आपको याद रखना है ये पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपके पास जो इनहेंसर होता है ये कुछ भी नहीं होता ये लैक ओपर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है राइट right? आगे चलो आगे क्या कह रहा है कि सिमिलैरिटी ऑफ बोन सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फॉर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी एनलोगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड रेडिएशन रेडिएस बताओ यहाँ पे अच्छा हाँ पीडीएफ डी कहाँ देंगी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी बेटा कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस चलो शाबाश बहुत बढ़िया देखो यहाँ पे हमको पता है कि जब आपके पास सिमिलरिटी आ जाए स्ट्रक्चर में तो दैट इज कोल्ड होम ओलोगी मतलब सिमिलर

कंफ्यूज जो जाता है बट रिमेंबर आपका हर्ट होमोलॉगी में आता है आईज ऑक्टोपस की और ह्यूमन की वो आपकी एनोलॉगी में आता है राइट right? तो आंसर इज होमोलॉगी याद रखना जो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ना वो एग्जाम्पल्स बता रही हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वेरी 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 क्लियरली याद कर लेना

कट टू कट चलते हैं यहाँ पे वी डोंट इवन नीड टू रीड राइट ये फायदा है एंड इट विल गिव यू टाइम इट विल गिव यू मार्क्स ठीक है केमिस्ट्री के लिए फिज़िए? ओ भाई साहब फिजिक्स के लिए कम से कम आपको चाहिए एंड आई रियली नीड यू रियली नीड यू है ना तो आपको टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है तो इस बायो का टाइम जो है फिजिक्स में लगाना केमिस्ट्री में लगाना ठीक है केमिस्ट्री भी मार्क्स सेविंग uh, है थोड़ी सी टाइम सेविंग है और uh, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट केमिस्ट्री इज क्वाइट कंफ्यूजिंग क्योंकि केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सैप्शन एंड इन बायो देर इज नो एक्सेप्शन। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड इज द आंसर तो आपको ये ध्यान रखना इसको बनाओ अपनी बायो को जितना ज्यादा आपको मैं ज्यादा नहीं कह रही हूं मैं नहीं कह रही कि ये करो वो करो नहीं जो मैं मॉक टेस्ट बता रही ना बस वो मॉक टेस्ट डेली लगा देना अभी अभी आपका चौबीस तक किसी का बायो का एग्जाम है ही नहीं तो सोच लो आज पंद्रह तो कम से कम दस मॉक करा दूंगी दस मॉक कराने का मतलब है कि डेली चालीस पचास क्वेश्चन होंगे तो देख लो कितने हो जाएंगे टोटल है ना चलो आगे देखो ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है दैट इज सही तो है बेटा कोई भी ऑप्शंस में मिस्टेक नहीं है आगे देखो, क्रॉसिंग यस यस कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा <clears throat> देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इसके ऊपर काफी एग्जांपल्स आते हैं काफी क्वेश्चंस आते हैं जैसे इसने बोला कि अलग अलग आपके पास स्पीशीज हैं। अलग-अलग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल के लिए म्यूल जो बना था म्यूल किससे बना था आपके पास गधा था डोंग की था है ना अब ये मुझे नहीं पता डोंग की था कि डोंग का था क्या था आई डोंट नो मेल फीमेल डोंकी की कौन सी थी अब जो भी थी और दूसरा आपका क्या था जी होर्स था आपका क्या था हॉर्स था आपको याद रखना है। ये हॉर्स एंड डोंकी हॉर्स एंड डोंकी राइट इन दोनों से आपका म्यूल बना और म्यूल बना तो यहाँ पे टेक्निक भी लगी हो होगी ऐसी तो बात है नहीं कि तो सोच के देखो डोंकी और हॉर्स आपस में मिलन हो सकता है डोंकी तो इतना सा और हॉर्स इतना सा और ऐसे अगर बात करो तो हॉर्स अगर हॉर्स इतनी सी और डोंकी इतना सा तो पॉसिबल नहीं है देन वी नीड अ कॉल्ड एक प्रोसेस कोल्ड दैट इज कोल्ड आर्टिफिशियसामिनेशन एज वेल एज मोइट मोइट मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला आपका जो आता है मल्टीपल ओविलशन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर आती है ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है मोइट के अंदर एफ एस एच एल एच हॉर्मोन यूज़ करते बट आपके एनसीआर टी में एफ एस एच गिवन है मोइट के अंदर आपका कौन सा हारमोन यूज़ करते हैं एफ एस एच यूज़ करते हैं याद रखना है इसके फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है राइट right? चलो अब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाँ कई बार एक आपकी आती है क्रोस ब्रीडिंग. क्रोस ब्रीडिंग के अंदर ना क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर भी एग्जाम्पल आता है आपका हिसार डेल का हिसार डेल का एग्जाम्पल आता है जो कि आपका मेरियानो रैम्स एंड आपकी बीकानेरी ईव्स के बीच का वो है और जिसके अंदर ब्रीड डिफरेंट है बाकी है दोनों शिप्स ब्रीड डिफरेंट है बट स्पीशीज सेम है ये चीज आपको याद रखना है राइट आगे देखो बेटा आगे क्या कह रहा है कि भैया डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ डॉप्सन यूनिट किसकी थिकनेस को मापने के लिए काम आता है ट्रोफोस्फेयर सीएफसी, एस एंड ओजोन तो पहली बात तो ये हमारे में बहुत सारे हैं। सबसे पहले स्ट्रेटो देन हमारा ट्रोफो तो ट्रोफोस्फेयर के अंदर देन आपका स्ट्रेटोसफेयर जो सेकंड नंबर वाली लेयर होती है उसके अंदर पाई जाती है ओजोन लेयर उसके अंदर क्या पाई जाती है ओजोन लेयर ओजोन लेयर ओजोन यूवी रेज को ऑब्जॉर्व कर लेती है यूवी रेज जो कि कैंसर कोजिंग है उनको धरती पे आने से रोकेगी और उसको कर लेगी हालांकि सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन से वो आजकल टूट रही है डेप्लट हो रही है कम हो रही है उसके अंदर परत पतली हो रही है और परत पतली हो रही है हम कैसे माप रहे हैं क्योंकि डॉपस यूनिट आपकी ओजोन के लिए है और इसके लिए एक प्रोटोकॉल आता है

चलो ये तो नीट में भी आया था बेटा देखो मैं तो चीज आपको बोलती हुई आई शुरू दिन से कि आप मेरे पास पढ़ो तो सी दो या नीट दो क्लियर होंगे ये चीज़ मैं डे फर्स्ट से बोलती हुई तो आई होप समझते हो गए तो, तो हमको पता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वी आर है दैट इज एम्पुला दैट इज एम्पुला एम्पुला राइट तो आंसर विल बी डी फेलोपियन ट्यूब आगे है इन सिकल सेल एनीमिया कह रहे है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपका सीक्वेंस जो होता है अमीनो एसिड्स का पहले पहल, से लेके सेवेंथ पोजीशन तक वो भी किसके अंदर एच बी एस जीन के अंदर एच बी एस चेन के अंदर है ना तो वो आपका क्या रहेगा इनमें से यहाँ पे क्या रहेगा तो एक चीज आपको पता है कहते मैम ये नहीं पता यार आगे पीछे कुछ भी हो सकता है हाउ डू वी नो कि क्या सीक्वेंस है ये तो हमने कभी नहीं याद करा हमको तो ये पता है बीटा चेन है छठी पोजिशन है ग्लूटामिक होता है वहां पे वेलाइन आ जाता है आप देखो क्या यहाँ पे कहीं पे ग्लूटामिक और वेलाइन है क्या यहाँ पे कहीं पे ग्लूटामिक और वेलाइन है कि नहीं है बताओ जल्दी से क्योंकि इसने एच बी एस बोला है इसने और एच बी एस का मतलब ग्लूटामिक नहीं होगा तो एक दो तीन चार पांच छे छे पे तो ये आ गया बेटा छे पे ग्लूटामिक है यहाँ पे तो कम से कम ये तो नहीं क्योंकि एच बी ए का है अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपकी किसकी है एच बी ए के लिए है ये आपकी किसके लिए है एच बी

Unresamble वाला कभी नहीं दो क्वेश्चन दो के बीच में कन्फ्यूजन तो ये, या ये, या तो ये, ये, दो तो क्वेश्चन होगा तो ये तो होगा ना ये एच बी ए जीन के अंदर होता है और ये एच बी एस के अंदर ये वाला जीना ये, ये वाला जाता है राइट बता रही हूँ ट्रिक बता रही हूँ एग्जाम वालों को याद रखना ये ट्रिक यही होती है कन्फ्यूज करने वाले होते हैं यस आगे देखो हालांकि ये यू हैव टू बी कंफर्म ये थोड़ा कंफर्म फिर भी कर लेना बट आंसर यही होगा मुझे जहां तक ध्यान है ध्यान का जब यही आएगा सेम डिटो कन्फ्यूज ही यहाँ करना था इसको आगे देखो भैया आपको मैच करने है यहाँ पे आपके पास कॉलम है दो एक कॉलम ये एक कॉलम ये और आपको दोनों को क्या करना है मैच करना है दोनों को क्या करना है भैया मैच करना है अरे भैया तुमसे ज्यादा जल्दी जल्दी की तो मेरे को है तुम लोग समझ नहीं रहे हो आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है मेरी तो पेड क्लास शुरू हो जाएगी सात बजे है ना और मेरी तो बहुत अच्छी सी लंका लग जाएगी यस अब देखो यहाँ पे कॉलम ए है और यहाँ पे कॉलम टू है तो पहली बात है डोमिनेंस डोमिनेंस हमको पता है डोमिनेंस हो को डोमिनस हो या कोई भी डोमिनेंस हो या रिसेसिवनेस हो दिखती रिसेसिनेस तो खैर नहीं बट डोमिनेंस आपका आपको को में ही दिखता है, है कंडीशन पे एलील एक ही एलील अपने आपको क्या करता है अपने आपको रिप्रेजेंट करता है यानी पहले का दूसरा कहाँ पे है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है तो आ गए फिर है को डोमिनस जहाँ पे हेड्रोजाइगस दोनों अपने आप को ही फुली एक्सप्रेस करता है तीसरा तीसरा यहाँ नहीं है यहाँ है तो हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है हमारे पास ये पता है कि यहाँ पे आगे

बताओ से सिंपलर ऑर्गेनिक बनाया है तो बताओ क्या होगा आपके पास है लीचिंग ह्यूमिफिकेशन फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबोलिज्म याद रखना फ्रेगमेंटेशन में ना एक चीज हमेशा याद रखना फ्रेगमेंटेशन में ना ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो ऑर्गेनिक ही रहता है बस इतना होता है कि वो लार्ज ऑर्गेनिक मैटर से आपका स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है परंतु इसने कहा है कि सिंपलर इनऑर्गेनिक बट आप जब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन में तो रिवोर्स होते हैं बट आपके आपकेटाबोलिज्म के अंदर आपके फंजाई आते हैं और दूसरा क्या जाते हैं बेटा बैक्टीरिया एक जगह पे और आपके यूज होते हैं बैक्टीरिया फंजाई दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन जहां पे ह्यूमिफिकेशन के बाद की स्टेज आती है स्टेज याद है ना फ्रेगमेंटेशन लीचिंग देन आपका कटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन, आपका क्या मिनरलाइजेशन ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए आप methionine. Methionine, AUG. AUG आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका ये क्या है बस एक ही एक ही ऐसा अमीनो एसिड है जो इस मिथ्योनाइन को कोड करता है ऐसे यूजी जी आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफे ट्रिप्टोफेन भी ऐसा है जो कि आपका एक सिंगल एक

पर्सन हुज एलर्जी एलर्जी उसको हो गई है, एक इंसान को एंटीबॉडी उसके शरीर में बन गई है तो आप बताओ वहां पे आपके पास वहां पे आपके पास कौन सी एंटीबॉडी बनेगी आई आईजीए आईजीएम एंड आईजीजी तो दो चीज आपको याद रखना है कि यहां पे आईजीए जो है ये भी आपका कहां से आता है ये मिल्क से आता है और आईजीजी जो आता है वो आपका कैसे आता है प्लेसेंटा से आता है और दोनों ही कैसे आती है मदर से आती है आईजीएम जो है आई एम जो है ये बेटा जब इंफेक्शन होता है तभी आती है अदरवाइज ये नहीं आती है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आईजीई ऐसी है जो कि आपके एलर्ज

आपकी जो वेरिएशन हुई वो सडन हुई भम ऐसे एकदम से फटाक होकर के हुई है ना? Step, क्या क्या है ना सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या कहा मैंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड सोल्टेशन दैट इज कॉल्ड सोल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लार्ज म्यूटेशन ये आपको याद रखना है दिस इज कॉल्ड सोल्टेशन दिस इज कोल्ड सोल्टेशन राइट आगे देखो भैया आगे आपके पास क्या है ओ गॉड साइक्लोस्पोरिन इज यूज है साइक्लोस्पोरिन कैसे यूज किया जाता है बताओ जल्दी से क्लॉट बस्टर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट और आपका प्रोफाइलेटिक फॉर वायरस एंड प्रोफाइलेटिक फॉर आपका मेरा स्टूडियो कौन सा चलो जल्दी से बताओ जल्दी जो जल्दी जो

तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ट्राइकोडर्मा पोलिसोरम से इसको हम निकालते हैं क्लोड बस्टो स्टेपोकस से निकालते हैं स्टैटिन निकालते हैं मोनोस्कस मोनोस्कसो से जो कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रोल को कम करने का काम करता है और ये सारी चीजें याद रखनी है और ये चालीस क्वेश्चन में भी करा रही हूँ आपको क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको पेपर में चालीस करने थे ना तो मैंने चालीस ही लेके आंसल लॉजिकली बट मैंने दस क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेके आई हूँ और वो आपका होमवर्क रहेगा आप लोगों का होमवर्क रहेगा बाकी के जो दस क्वेश्चन जो मैं स्पेयर में छोड़ रही हूँ क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी नहीं बनेगर मैं करा देती है ना अब मेरी क्योंकि बिल्कुल ठीक तीन मिनट के बाद क्लास शुरू हुआ और भाई साहब मैंने क्लास टाइम से नहीं शुरू करना ना बड़ी भारी पेनल्टी भरनी पड़ती है मेरे को छह जगह जवाब देने पड़ते हैं है ना तो यहाँ पे देखो आपके पास दस क्वेश्चन और हैं पूरे पूरे दस क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी इन द्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगी एंड डो नॉट फ्रगेट आपको डेली छे बजे अब आपका पांच बजे नहीं रहा अब आपको किस टाइम ज्वाइन करना है सिक्स पी एम डेली किस टाइम पे करना है भैया ज्वाइन डेली सिक्स पी एम आपको एंड डू नॉट फिगेट टू लाइक द सेशन एवरी वन आई थिंक इफ यू इफ यू थिंक दैट आई डिजर्व लाइक इन अ पिंक हार्ट देन गिव मी अ पिंक हार्ट एंड बी माई गुलाबी दिल यस एंड थैंक यू सो मच गाइज मिलेंगे छह बजे दोबारा से दस क्वेश्चन होमवर्क में है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल आपको पता है कौन सा है कहां पे आपको मिलना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाओ टेलीग्राम चैनल पर और बिंदास पढ़ो भैया कोई टेंशन की बात नहीं हम तुम्हारे साथ अच्छा से मिलजुल के कर लेंगे I believe that you can do it, then you should also believe yourself that we can do it and we will do it better. Right? So, goodbyes.